सेक्टर विच स्थित है। इस विच विद्यार्थियों नू कुकिंग एंड शेफ, केयर गिवर, नैनी कोर्स, कंप्यूटर, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, आईलैट्स ते इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाए जाते हैं। इस संस्था विच पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी वालों होटल मैनेजमेंट ते केटरिंग दे कोर्स भी करवाए जाते ने। संस्था विच एक लाइब्रेरी है जिथे किताबां तो इलावा मैगजीन ते अखबार भी आउंदे ने, जिन्हां नूं पढ़ के विद्यार्थी अपनी जानकारी च वाधा करदे ने। मैं कनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फूड साइंस दे विच एज ए लाइब्रेरियन जॉब करती हाँ। साड़ी लाइब्रेरी दे विच 5000 दे करीब बुक्स हैं, जिन्हां विचों सिलेबस दे नाल रिलेटड तो इलावा जनरल नॉलेज दीआं बुक्स प्रोवाइड कीतीआं जांदीआं हन, तां कि स्टूडेंट अपनी सिलेबस दे नाल रिलेटड जानकारी तो इलावा एक्स्ट्रा नॉलेज इनक्रीज कर सकन। मैं हमेशा कुछ कर गुजरन वास्ते चाहुंदा सीगा कि मैं कुछ वक्रा करा जिहदे नाल मैं अपने पंजाबियों दे विच लोकप्रिय होवां, अपने दुनिया विच कुछ करा। मैनू इत्थे पता लगा कि कनेडियन इंस्टीट्यूट आ, उहदे विच मैं आके कुछ कर सकदा आ। मैं उत्थे आके अपने खेरा साहब जिहड़े साडे एम डी ने उहनां नूं मिलिया। उहनां नूं मिलन दे सार ही मैनू इह लगा कि मैं कुछ कर सकदा आ। मैनू उहनां दे गल करन दे नाल ही उहनां ने मैनू दस्सता कि असीं की कुछ कर सकदे आ लाइफ दे विच। तो मैं इतने नैनी कोर्स ज्वाइन कर लिया, जिद मैं बहुत कुछ सीखने को मिले कि बजुर्गों असं कि सामना असं अपने बच्चों कि सामते हाँ। संस्था विच कुकिंग ते शेफ का कोर्स करवाया जाता है जो कैनेडा यूनिवर्सिटी तो मानता प्राप्त है। मैं इतने कैनेडियन इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड फूड साइंस विच कुकिंग का कोर्स कर रहा हाँ। मेरा जो कोर्स है इंडियन अते तंदूरी है। इस विच सानू हुण तक जो भी तंदूर दीआं डिशां हन ओह सिखाईआं जा चुकीआं हन अते सिखाईआं जा रहीआं हन। अज असीं रेशमी कबाब, दाल मखनी एंड नान बना रहे हाँ। ये जो कोर्स है साडे टीचर हन जो साडा स्टाफ है सानू बहुत वधिया तरीके नाल इत्थे कोर्स करवा रहे हन। इस करके असीं अपनी लाइफ दे विच सक्सैस होण लई इस कोर्स राहीं कनेडा वास्ते अप्लाई करांगे। संस्था विच सूचना तकनीक भाव कंप्यूटर का कोर्स भी करवाया जाता है ते कोर्स तो बाद विद्यार्थियों की प्लेसमेंट कैनेडा वर्गे देशों विच कीती जाती है। कनेडियन इंस्टीट्यूट विच लिव एंड केयरगिवर का कोर्स करती हाँ। इत्थे सानूं दस्या जांदा है कि बच्चों नूं किवें संभालना है, और मेरा जिहड़ा मकसद सीगा वह बाहर जाना सीगा। मैं कनेडा विच सैटल होना चाहुंदी सीगी, फिर मैनूं पता लगा कि इत्थे लिव एंड केयरगिवर का कोर्स करके असीं बाहर जा सकते हाँ। उत्थे बाहर मतलब इस डिप्लोमे की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इत्थे सानूं बच्चों बारे दस्या जांदा है। बच्चों के नाल नाल सानूं ओल्ड एज बारे भी दस्या जांदा है कि किवें उन्हां नूं मतलब संभालना है।
और इस तो भी साडा जिहड़ा इत्थे स्टाफ है वो बहुत मेहनती है, बहुत नाइस है, कोऑपरेटिव है। और इस मोरओवर साडे इत्थे इंग्लिश की क्लासेस भी लगदियां ने, इंग्लिश की क्लास विच असीं मतलब अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हाँ। अज तो 6 महीने पहला कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एंड फूड साइंसिस तो लिव इन केयरगिवर का कोर्स किया सी। ते आज तो 6 महीने पहला मैं एक दिन ही सोचा कि मैं प्रॉपर वे दे नाल डेनमार्क विच जा फॉरन किस फॉरन कंट्री विच किसे विच सेटल हो जावांगी। ते कोर्स करन तो बाद नाल दी नाल ही मेरी प्लेसमेंट दा जो अरेंजमेंट किया गया इस इंस्टीट्यूट वालों, ते हुन मैं मैनू वीजा मिल चुका, ते नैक्सट वीक मैं डेनमार्क जा रही। मेरा नाम दर्शन सिंह खैरा। बेसिकली मैं पेंडू बैकग्राउंड ना तलक रखता, नाभे दे कोल मेरा पिंड है अलौरा खुर्द जिथों का मैं जंपल हाँ।